हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, और हमने इस फ्रेम का सेंटर ऑफ मास निकाला था। तो अभी हमें सेंटर ऑफ मास निकालने के ही और क्वेश्चंस करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 9, डेटा स्टैंड। चलिए देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन मैं देता हूं। अ थिन यूनिफॉर्म रॉड इज बेंट एट 90 डिग्री टू फॉर्म एन एल एज शोन इन फिगर। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है? देखिए, सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और ये हम अपनी रॉड लगा देते हैं यहां पे, ठीक है? दिस इज द रॉड, पतली सी रॉड है, हालांकि मैंने थिक बना दी है, बट एक्चुअल में ये बहुत पतली है। तो देखिए फिर, ये दिया हुआ है 2L/3 और ये है L/3। तो कुल मिला के सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो एक काम करते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है ना, इसका पूरी रॉड का मास M मान लेते हैं। लेट M इज मास ऑफ द रॉड। अब इसके दो पार्ट हो गए हैं, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर पूरी लेंथ एल है तो ये लेंथ 2/3 है, तो 2/3 लेंथ है तो मास भी 2/3 होगा। तो मास ऑफ पोर्शन ए बी तो वो जाएगा 2/3 ऑफ एम। मास ऑफ पोर्शन बी सी हो जाएगा आपका 1/3 ऑफ एम। अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि रॉड के केस में हम उसके सारे मास को उसके सेंटर पे मान लेते हैं, मतलब हम यहां मान लेंगे सारे मास को, ये एल बाई थ्री हो गया। यहां पे हम कितना मास मान लेंगे? 2m/3, और यहां पे मान लेंगे हम n/3। ये डिस्टेंस रहेगी l/6 यहां से यहां, ठीक है? तो अब आप जान लो कि आप रॉड को भूल जाइए, बस इस मास और इस मास को याद रखिए। तो फिर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितने आएंगे? अब एक काम करता हूं, मिटाई देता हूं उसको, है ना? तो देखो, रॉड गायब और आपके दिमाग में ये तस्वीर आनी चाहिए। दिस शुड बी इन योर माइंड। ये एक्स एक्सिस हो गई एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो यहां पे आपके माइंड में होना चाहिए कि एक पार्टिकल रखा है जिसका मास है 2m/3, और यहां पे एक पार्टिकल रखा है जिसका मास है m/3। ये डिस्टेंस है l/3 और ये डिस्टेंस है l/6।
देखा जाए तो अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए एल बाई थ्री कॉमा जीरो और इसके कोऑर्डिनेट हो गए जीरो कॉमा माइनस का एल बाई सिक्स। ठीक है, ऐसे हो गए। तो अब ये है ना और ये भी है, तो एक्सीएम वाई सी एम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो एक्सीएम इज इक्वल टू 2m by 3 into में l by 3 plus m by 3 into में 0 divided by 2m by 3 plus m by 3। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2m by 9 आएगा, डिवाइड बाई m हो गया 2m l by 9 divided by m, m से m कट गया तो ये 2l by 9 आ गया। अब YCM निकाल लेते हैं तो YCM कितना आ जाएगा, तो YCM हो जाएगा आपका 2m by 3 into 0, 2m by 3 into 0 plus m by 3 into minus का l by 6 divided by m। अब नीचे तो मैं m ही लिख देता हूं क्योंकि टोटल मास तो मुझे पता ही है ना, रॉड का मास m है, तो मैं m by 3 में 2m by 3 क्यों जोड़ू जब मुझे पता ही है कि ये m है। तो अब देखो ये माइनस का एम एल बाई 18 बाई एम हो गया, माइनस का एम एल बाई 18 डिवाइडेड बाई एम, तो ये माइनस का एल बाई 18 आ गया। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2l बाई 9 कॉमा माइनस एल बाई 18। अब ये रॉड वापस लगाते हैं यहीं पे क्योंकि एक्चुअल में तो यहां पर रॉड ही थी ना। तो ये जो बेंट रॉड थी इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स अब निकल चुके हैं, तो आप देख सकते हो कि ये जो बेंट रॉड है इसका एक एंड के कोऑर्डिनेट तो है 2l by 3 comma 0 और इस एंड के कोऑर्डिनेट है 0 comma minus का l by 3, लेकिन सेंटर इसका यहां कहीं पड़ रहा है। ठीक है, 2l by 9 comma l by 8 पे, और थोड़ा ऊपर कर सकते हैं comma minus l by 18 पे, सो दिस इज द सेंटर। नीचे थोड़ा कम आया, इधर थोड़ा ज्यादा गया, समझे ना बच्चों। ऐसे करके अब ये सेंटर क्या है, इसके अंदर है, इसके मटेरियल के अंदर है, आंसर है नहीं। तो किसी बॉडी का सेंटर उसके मटेरियल के बाहर भी हो सकता है, तो आई होप आप समझ गए। तो ये आप नोट करिए, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, अनदर डिस्क ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम थिकनेस is placed
over 8 in such a way that a common tangent can be drawn at r comma 0 comma 0. Actually ये third coordinate 0, third coordinate लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ तो xy plane में ही हो रहा है. तो find coordinates of center of mass of the combination of two disks. The two disks. तो जो डिस्क, दो डिस्क बनी है ये, तो इन दोनों डिस्को के कॉम्बिनेशन का जो सेंटर ऑफ मास है वो निकालना है हमको. तो देखिए, एक तो ये डिस्क हो गई, इसको आप एक्स एक्सिस मानिए, इसको वाई एक्सिस मानिए, तो ये ओरिजिन हो गया. तो अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन. इसका सेंटर ओरिजिन पे है. अनदर डिस्क ऑफ सेम मटेरियल सेम थिकनेस इज प्लेस्ड ओवर इट इन सच ए वे दैट ए कॉमन टेंजेंट. अच्छा, दूसरी वाली डिस्क की रेडियस तो मैंने आर दी नहीं. अनदर डिस्क ऑफ सेम मटेरियल सेम थिकनेस एंड रेडियस आर बाय टू. Is placed over it in such a way that a common tangent can be drawn at r comma 0, the coordinates of center of mass of the combination of disk. तो जो दूसरी radius है ना, उसकी जो दूसरी disk है उसकी radius r by 2 है. तो ये point था r comma 0 है ना, तो यहां पे आप common tangent draw कर सकते हो. इसका मतलब उसकी जो circumference है वो यहां पे होनी चाहिए. ठीक है, तो this is quite सिंपल. अब जो छोटी वाली डिस्क है उसका सेंटर जो है ना वो r बाई टू कॉमा जीरो पे आ गया बच्चों, क्योंकि अगर ये r कॉमा जीरो है, ये जीरो कॉमा जीरो है, तो बीचों बीच का पॉइंट तो r बाई टू कॉमा जीरो होगा ना. तो अब जो मास होता है, ये सॉल्यूशन शुरू हो जाता है. तो जो मास होता है वो होता है एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी. एरिया इंटू थिकनेस से वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से मास आएगा. अब डेंसिटी सेम है या नहीं है, तो क्योंकि मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम है, थिकनेस भी सेम है, तो जो मास हो गया वो प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के. तो देखो, इसका मास मान लो m1 है, इसका मास मान लो m2 है, इसका एरिया मान लो a1 है, इसका एरिया मान लो a2 है. तो अगर मुझे एक्ससीएम लिखना था तो वो हो जाएगा m1 into x1 plus m2 into x2 divided by m1 plus m2. अब मास को मैं एरिया into थिकनेस into डेंसिटी लिख सकता हूं. तो डेंसिटी के लिए रो सिंबल ले लेते हैं. तो एरिया a1 into थिकनेस t है ना, into रो 1 into x1, रो 1 नहीं रो, x1 plus एरिया a2 into थिकनेस t into डेंसिटी रो into x2 divided by एरिया इंटू में टी इंटू में रो प्लस एरिया इंटू में टी इंटू में रो. तो टी रो टी रो टी रो कॉमन आ जाएगा ऊपर और नीचे से. तो यहां से एक्ससीएम का फॉर्मूला बन के आएगा ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ए टू. तो ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला बन गया. ये तब है जब हमने सेम थिकनेस की, सेम मटेरियल की एक डिस्क के ऊपर एक डिस्क रख दी. तो अब इसको हम सॉल्व कर ही देंगे, इसमें क्या दिक्कत रह गई अब. तो देखिए बच्चों, कर देते हैं सॉल्व. तो सॉल्यूशन, एक्ससीएम कितना आ गया, ए वन, तो बड़ी वाली की रेडियस आर है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर है,
तो पाई इंटू में आर स्क्वायर और उसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो जीरो प्लस दूसरी वाली का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई फोर है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट आर बाई टू है डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बाई फोर। तो अगर मैं पाई आर स्क्वायर को यहां से काट दूं देखो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा फाइव पाई आर स्क्वायर बाई फोर, तो नीचे की कैलकुलेशन तो हो ही गई 5 पाई आर स्क्वायर बाई फोर। सबसे पहले तो 4 से 4 काट दो, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर काट दो, तो दो दो और 5 मल्टीप्लाई में जाएंगे और ये आर बाई 10 आ जाएगा। सही है बच्चों? सो इन दिस वे द वैल्यू ऑफ एक्सीएम कम्स आउट टू बी आर बाई 10। ठीक है, तो होपफुली आप लोग समझ गए। अब एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, और इसमें जो रेडियस आर बाई 2 थी ना, मान लो आर बाई 2 नहीं है, वो है 3R बाई 4, 3/4। तो कैसे करेंगे? तो अब ये जो डिस्क है ना जो रखी थी ये हटानी पड़ेगी हमको, ठीक है, क्योंकि बड़ी डिस्क रख दी ना आपने सेकंड केस में। तो देखो फिर तो रेडियस अगर 3R बाई 4 हो गई तो आप जान लो कि इस तरह से होगा फिर, तो है ना। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, वो एक तरीके से ये जो पॉइंट होगा ना, ये आर बाई टू होगा, माइनस आर बाई टू कॉमा जीरो। क्यों भला? क्योंकि 3R बाई टू का डबल हुआ ना, 3R बाई फोर का डबल हुआ 3R बाई टू, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 2R है, तो ये 3R बाई टू है, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सेंटर कहां पड़ेगा? तो माइनस आर बाई टू और 3R बाई आर बाई आर आर आर, तो R में से आप 3R बाई फोर कम कर दो तो ये R बाई फोर हो जाएगा, तो R बाई फोर कॉमन जीरो पे पड़ेगा सेंटर, तो ये R बाई फोर है, R बाई टू है, 3R बाई फोर हो गया। समझे बच्चो? R बाई फोर इज लाइक क्वार्टर, तो दिस इज क्वार्टर एंड दिस इज थ्री क्वार्टर, समझे ना, एंड दिस इज हाफ, क्वार्टर प्लस हाफ इज थ्री क्वार्टर, समझ गए? ऐसे होता है। तो अब क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्क इतना ही पड़ेगा कि यहां पे ये तो पाई आर स्क्वायर इंटू जीरो ही रहेगा, ये हो जाएगा 9 पाई आर स्क्वायर बाई 16, और यहां पे आपको आर बाई फोर लगाना पड़ेगा डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर प्लस 9 पाई आर स्क्वायर बाई 16। तो जब 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, तो नीचे का जो एडिशन है वो सीधा 25 हो गया, 25 पाई आर स्क्वायर बाई 16 से 16 कट गया, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, तो 9 बाई 4 और 25 मल्टीप्लाई में जाएंगे तो 9R बाई 100 आ गया। तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पर होगा 9R बाई 100 पे, क्योंकि दोनों के सेंटर काफी पास पास हैं, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो ओरिजिन से थोड़ा सा ही आगे होगा बस। समझे बच्चों? सो दिस इज हाउ वी कैन वर्क इट। तो ये तो डिस्क थी, अब डिस्क के ऊपर हमने दोनों तरह की डिस्क रख के दिखा दी आपको, ठीक है। अगर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रख दें तो देखो वो भी कर देता हूं, देखिएगा अ यूनिफॉर्म स्क्वायर स्क्वायर शीट ऑफ साइड एल इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन, अनदर स्क्वायर शीट ऑफ सेम
thickness and same material but side L by 2 is placed over it. At upper right corner, as shown in figure. Find coordinate of center of mass of the combination of two. Find coordinates of center of mass. Of the system. देखेगा ये हमारी x axis, ये y axis, okay? और ये वो square sheet है. ये साइड L है. तो चलिए ये तो ऐसे ही रहेगा, परफेक्ट तो कोई बन नहीं पाएगा. तो यहां पे हमने एक शीट रख दी, स्क्वायर शीट है ना. रखी है हमने L by 2 साइड की, ठीक है. तो आप देख सकते हो इसका सेंटर यहां कहीं पड़ेगा. तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हुए ये L by 4 और ये भी L by 4 है ना. तो फॉर्मूला तो हम वही लगा देंगे जो पहले लगाया था. तो क्या फॉर्मूला लगेगा, XCM is equal to, देखो पूरे का एरिया A यानी L square और इसका एरिया L square by 4. तो L square into 0 plus L square by 4 into x coordinate इसका, वो L by 4 आ गया, divided by L square plus L square by 4 है ना. तो आप देख सकते हैं ये L cube by 16 हो गया. So this is L cube by 16 डिवाइडेड बाई 5L क्यूब बाई L स्क्वायर बाई 4. तो अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यह आ जाएगा L क्यूब बाई 16 इंटू 4 बाई 5L स्क्वायर ना. अब देखो L स्क्वायर से ये L बचेगा, 4 से ये 4 बचेगा, 4 पहले 20, L बाई 20 आ गया. अब सेम ही तरीके से हम YCM भी निकाल सकते हैं. तो सेम विल बी द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग YCM. YCM में भी m into 0 plus m by, मतलब m क्या, L square into 0, L square by 4 into L by 4 divided by this. तो XCM भी L by 20 आ गया और YCM भी L by 20 आ गया. तो in this way you find that the net is L by 20 plus L by 20, ठीक है बच्चों. L by 20 कॉमा L by 20. अब इस क्वेश्चन को हम बदल देते हैं और बदल के हम ये कहते हैं कि भैया हमने ना यहां से एक स्क्वायर हटा दिया, ठीक है. A uniform square of side L is placed in XY plane which is its center at origin. If a square of side L by 2 is removed from it
फ्रॉम द अपर है ना, फ्रॉम द अपर राइट कॉर्नर है ना, फ्रॉम द अपर राइट कॉर्नर मतलब ये वाला हिस्सा हमने उड़ा दिया, यहां तक खाली हो गया ये, समझे बच्चों। हालांकि सेंटर तो रहेगा, जिस चीज को उड़ाया उसका कुछ तो सेंटर हो गई, तो ये L/4 है, L/4 है, ये खाली हो गया, हटा दिया हमने इसे, है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिमेनिंग रिमेनिंग सिस्टम है ना, रिमेनिंग पार्ट। अब देखो दो मेथड है इसके, तो पहला मेथड तो ये है कि हम इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लें, इसके लें, इसके लें, और तीनों से एक्सीएम और वाईसीएम निकालें, ठीक है। और दूसरा मेथड ये है कि क्योंकि आपने एरिया जब जोड़ा था तो आपने प्लस किया था, अब आपने एरिया रिमूव कर दिया तो आप माइनस कर दें, तो यहां से क्योंकि आपने एरिया रिमूव किया तो माइनस एरिया कर दिया बस ये। तो अगर आप माइनस करेंगे तो नीचे आएगा आपका 3L² बाई, नीचे माइनस किया ना तो 3/4 आएगा, पलट के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे 3 आ गया है ना, 4 से कट गया, 4 4 थी 12, तो ये 12 आएगा, लेकिन एक साथ में माइनस साइन भी आएगा तो -L/12। अब ये YCM है, अगर XCM निकालोगे तो भी यही आएगा, XCM भी वो भी -L/12 ही आएगा, तो इसका मतलब XCM और YCM दोनों -L/12 हो गए। समझ आया बच्चों? यानी अगर आपने एरिया रिमूव किया है तो बस आप उसको नेगेटिव एरिया ऐड करना समझ लो, रिमूविंग द एरिया इज लाइक एडिंग नेगेटिव एरिया, एक तो ये तरीका हुआ। अब एक तरीका और है वो भी मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। देखो तो दूसरा तरीका ये है कि आप इस जो चीज हट गई उसको आप भूल जाइए, फॉरगेट दिस, जो चीज है उसको याद रखिए। तो हमारे पास ये है, ये है, ये है, इसका सेंटर यहां पड़ेगा, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे L/4, -L/4, इसका सेंटर यहां पड़ेगा, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -L/4, -L/4, इसका सेंटर यहां पड़ेगा, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -L/4, +L/4, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा। अब इन तीनों के मास तो बराबर ही रहेंगे, मान लो इसका मास m हो गया, इसका भी m हो गया, इसका भी m हो गया, मतलब पूरे का मास 4m था, तो चारों टुकड़ों का मास m/4 लेते, लेकिन अगर मैंने मतलब अगर पूरे का मास m लेते तो चारों का m/4 लेते, पर थोड़ा स्मार्ट बन जाते हैं, पूरे का 4m ले लो तो ये m हो जाएगा, एक m मास गायब हो गया। तो अब xcm निकालना है, तो xcm हो गया हमारा, यहीं से शुरुआत करते हैं, तो m(-L/4), फिर यहां जाओ +m(-L/4), प्लस फिर यहां जाओ m(+L/4) डिवाइडेड बाई m+m+m है ना, तो ऊपर कितना हो गया m(-L/4, -m(+m)/4, ये तो इससे कट गया, तो ऊपर बच गया -m(-L/4) और नीचे आ गया 3m, तो -m(-L/4)/3m(1/3m) तो mm कट गया, तो -L/12 आ गया। अब YCM भी ऐसे निकलेगा, तो YCM इज इक्वल टू m(-L/4), देखो इसको ले लेंगे प्लस, और फिर m(-L/4), और फिर m(-L/4), ये वाला भी ले लिया, डिवाइडेड बाई 3m, ये दोनों टर्म तो कट गई, तो ये आ गया आपका -m(-L/4) डिवाइडेड बाई 3m, तो ये हो गया -m(-L/4)/3m, -l/12 आ गया ना बच्चों। तो दिस इज द थिंग, XCM और YCM दोनों L/12 -L/12 आ गए, तो काफी अच्छा हो गया ये, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, अब हम सर्कुलर डिस्क ही डाल देते हैं,
तो देखो क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है बच्चों, अब देखो अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर बाई टू इज रिमूव्ड फ्रॉम इट एज शोन इन फिगर। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। जो बचा हुआ पार्ट है उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो देखो बच्चों, ये ऐसे थी डिस्क, अब इसमें से हमने r बाई टू रेडियस की डिस्क हटा दी ऐसे, सो दिस पार्ट हैज बीन रिमूव्ड। तो ये बचा खुचा पार्ट है ना, सही है। तो अब जो ये बचा कुचा पार्ट है ना, इसके कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो जैसे कि मैंने बताया वही तरीका है बेस्ट। तो बेस्ट तरीका पहले बता देता हूं, देखो XCM is equal to YCM निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिमेट्री बन रही है ना, YCM तो जीरो ही आएगा। तो जो एरिया अपने पास है वो है पाई आर स्क्वायर, और जो एरिया पाई आर स्क्वायर है उसका सेंटर जीरो पे है क्योंकि अब एरिया हटा रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस पाई आर स्क्वायर बाई फोर, और उस एरिया का सेंटर आर बाई टू है डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई फोर, क्योंकि एरिया आपने रिमूव किया तो माइनस साइन यूज करेंगे दोनों जगह, नीचे भी यूज करना है बस ये याद रखिएगा, कभी पता चला ऊपर ही यूज किया माइनस नीचे यूज नहीं किया, क्योंकि जो बचा खुचा एरिया ना टोटल एरिया वो नीचे डालना है टोटल एरिया। ठीक है, तो कितना हो गया, तो एक काम करते हैं एक्स सी एम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई फोर इंटू आर बाई टू, नीचे आ जाता है हमारा फोर माइनस वन थ्री पाई आर स्क्वायर बाई फोर है ना, ध्यान से देखो तो चार से चार कट गया और पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, तो आर बाई टू है और ये तीन है तो माइनस का आर बाई सिक्स आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क आर आर बाई सिक्स। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया, आर बाई सिक्स का मतलब यहां कहीं होगा माइनस आर बाई सिक्स कॉमन जीरो। तो आप देख सकते हो ये हिस्सा हटाने पर सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो गया, आपने पहले ऐड किया तो सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट हो गया था, तो मास जब ऐड करते हैं तो जिधर मास ऐड किया है सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट हो जाता है, रिमूव करने से उसके उल्टी तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ये हिस्सा आपने हटा दिया तो भारी पोर्शन ही रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास यहां आ गया आर बाई सिक्स पे, समझे बच्चों। तो अब इसका यूज क्या हो सकता है, तो इसका यूज ऐसा हो सकता है जैसे क्वेश्चन का कैसा बना कि भाई ये डिस्क कैसे रखी थी, मान लो कि ये डिस्क ऐसे रखी थी है ना, ऐसे नीचे था वो पार्ट है ना,
और फिर पलट गई डिस्क। चलो ऐसे पलट देता हूं, है ना, ऐसे थी ये डिस्क, खोखला हिस्सा नीचे था, है ना, समझ रहे हो बच्चों। तो अब ये somehow घूम गई, मतलब ऐसे हो गई, तो ये तो हमने, है ना, खुद ही घूम गई। चलो ऐसे हो गई, ऐसे पलट के ऐसे हो गई, ठीक है। तो ये बताइए कि यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है अगर कोई फ्रिक्शन ना हो, नो फ्रिक्शन। असल में जब घूमेगी ना तो चल भी रही होगी, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अभी पढ़ाया नहीं है तो बस मैं इसलिए के टोटल की बात कर देता हूं। तो देखो यहां पे जो है ना सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, तो सेंटर ऑफ मास यहां था ना एल बाई सिक्स हाइट पे, समझ रहे हैं बच्चों, वो हाइट हो गई और यहां पे सेंटर ऑफ मास यहां हो जाएगा एल बाई सिक्स हाइट पे। तो इस ओरिजिनल सेंटर से एल बाई सिक्स नीचे, तो हम लिखेंगे इसको डेटम मान लेते हैं, है ना, तो यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ, तो हमें के एफ निकालना है, के आई जीरो है, तो यू आई कितना हुआ, यू आई हुआ आपका एम जी इंटू में आर प्लस आर बाई सिक्स, है ना, प्लस जीरो इज इक्वल टू यू एफ, यू एफ हुआ एम जी इंटू में आर माइनस आर बाई सिक्स, समझ रहे हैं बच्चों, इस डेटम के रेफरेंस से प्लस के एफ। तो आप देख सकते हो इसको इधर से इधर घटा दो तो MGR वाली टर्म तो गायब हो जाएगी, तो R by 6 माइनस ऑफ माइनस R by 6 तो R by 3 हो जाएगा, तो ये MGR by 3 आ गया इक्वल टू KF। तो यहां पे इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो MGR by 3 होगी, तो सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया इसलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहां पे ये स्टेबल पोजीशन में रहेगी, यहां पे ये अनस्टेबल में रहेगी, तो ये गड्ढा जो है ये खोखला पार्ट जो है वो नीचे नहीं रहना चाहता, ये ऊपर जाना चाहता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ वैसे ही है जैसे कि हल्के जो गुब्बारे हैं वो ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि गुब्बारे में हीलियम गैस भर देते हैं, तो हीलियम या हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से हल्की है तो वो ऊपर की तरफ भागती है, तो गुब्बारे ऊपर जाते हैं, ठीक है बच्चों, समझ आया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 28 मीटर इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन। A circular disk of radius 21 meter is removed from it as shown in figure. Find coordinate of center of mass of the remaining disk. Find coordinates of center of mass of the remaining disk. देखो ये है ओरिजिनल डिस्क और ये है रिमूव्ड डिस्क, ठीक है।
तो अब हमें रिमेनिंग डिस्क के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो देखिएगा यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है आपकी 28 मीटर और यहां से यहां तक की 21 मीटर है ना। इस पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट डल रही है, तो मैं चाहता तो लिख भी सकता था एज शोन इन फिगर के बजाय सो दैट अ कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट 28.0.0, बट मैंने एज शोन इन फिगर लिख दिया। तो अब ये जो रिमेनिंग डिस्क है ना ये बस ऐसी ही है, ठीक है। तो अगर ये ऐसी ही है तो बस अब क्या रह गया, अब तो बस करना वही है जैसे हम सेंटर ऑफ मास रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। वैसे इसका एक और मेथड भी होता है वो भी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, चलिए बताता हूं। देखो मेथड वन, तो एक्सीएम ही निकालना है, वाई सीएम की तो जरूरत ही नहीं है। तो पाई इंटू में 28 का स्क्वायर इंटू 0 माइनस पाई इंटू में 21 का स्क्वायर इंटू 7, क्योंकि ये 21 है ये 28 है, तो यहां पे सेंटर जो है ना 7.0 का है रिमूव्ड पार्ट का सेंटर, डिवाइडेड बाई पाई इंटू में 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, बीच में माइनस आना है। तो देखिए पाई से तो पाई ही काट दीजिए आप, है ना। तो ये हो गया 21 का स्क्वायर इंटू 7 डिवाइडेड बाई 21 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, तो 49 इंटू 7 दोनों का डिफरेंस 7 आएगा और दोनों का सम जो है वो 49 आएगा। 21 के स्क्वायर को आप 21 इंटू 21 लिख दीजिए। अब देखो 7 से 7 गया, 49 से ये 7 कट गया, यहाँ 3 आ गया, 7 से कट गया 3 आ गया, 3 3 9, तो 9 मीटर आ गया। और एक माइनस तो चल ही रहा था यहाँ पे, तो माइनस, सो दिस इज माइनस 9, तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं शिफ्ट हो जाएगा, समझे ना बच्चों, दिस विल बी माइनस 9.0। आप देख सकते हो खोखले पार्ट में ही है, मतलब खाली जगह में सेंटर ऑफ मास। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। अब जैसे कि मैं कह रहा था इसके दो मेथड है, दूसरा मेथड है, अब दूसरा मेथड क्या है समझिएगा, थोड़ा आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो लेकिन अगर आप समझेंगे तो फिर समझ में आ ही जाएगा। देखिए दूसरा मेथड, तो दूसरे मेथड में हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो ओरिजिनल डिस्क थी ना उसको हमने लाके रख दिया यहाँ पे, नहीं जो डिस्क काटी हुई थी, तो काटी हुई डिस्क अगर वापस से फंसा देंगे तो दो डिस्के हो जाएंगे, एक तो ये जो प्रॉपर डिस्क है 21 रेडियस की और एक कटी हुई डिस्क। तो कटी हुई डिस्क जो चंदा मामा की शेप की है और जो प्रॉपर डिस्क है 21 मीटर की, उन दोनों का सेंटर तो यहां पे है ना। तो हमने मान लिया कि जो कटी हुई डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है एक्सीएम या एक्स नॉट, लेट एक्स नॉट बी द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स नॉट को मैं जीरो कर दो, जीरो बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिमेनिंग डिस्क, है ना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्क। अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्क एंड रिमूव्ड पार्ट ऑफ डिस्क को मिला के ओरिजिनल डिस्क बन जाएगी, तो उसके कोऑर्डिनेट 0.0 पाएंगे ना, तो 0 मस्ट बी इक्वल टू जो रिमेनिंग डिस्क है उसका हमें क्या कहते हैं मास निकालना होगा। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि पूरी डिस्क का मास m था ओरिजिनल का, तो ये जो मास हुआ ये 9m/16 हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि रेडियस 3/4 हो गई, मतलब 21 इज 3/4 of 28, तो इसका मास रह गया 7m/16 रिमेनिंग का। तो 7m/16 है ना इंटू एक्स नॉट प्लस 9m/16 इंटू 7 डिवाइडेड बाई m मस्ट बी इक्वल टू 0। ये समझ आया बच्चों? 0 जो है वो ओरिजिनल डिस्क का सेंटर ऑफ मास है, ये बची खुची उसका सेंटर ऑफ मास पता नहीं x0, और ये जो काटी उसका, और टोटल मास तो m है।
तो यहाँ पे थोड़ा माइंड लगाना है, और वो ये मानना है कि पूरी का डिस्क मास का मास एम था, तो इसका मास हो जाएगा, क्योंकि रेडियस तीन चौथाई हो गई, क्योंकि मास तो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, तो रेडियस तीन चौथाई हो गई, तो तीन का स्क्वायर चार और तीन का स्क्वायर नौ और चार का स्क्वायर सोलह। तो अब जब इसको इधर ले आएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया आपका सेवन एम इंटू एक्स नॉट बाई सोलह प्लस नाइन एम इंटू सेवन बाई सोलह। इसको इधर ले आओ, तो इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, वो सब क्या है ना, तो इज इक्वल टू का निशान लगाओ या माइनस लगाओ। देखो सेवन से सेवन गया, सोलह से सोलह गया और एम से एम गया, तो आ गया ना एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस नाइन। समझे बच्चों? सो दिस इज वन मोर मेथड। ये वाला मेथड हम पिछले क्वेश्चन में भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। और सेंटर ऑफ मास पे ही और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, एक चीज और सिखा देता हूं बस, है ना। ये एक आर्क है, इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अ वायर इन द फॉर्म ऑफ आर्क, अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ रेडियस आर एंड एंगल एट सेंटर अल्फा रेडियन। तो ये अपने सेंटर पे अल्फा रेडियन का एंगल सबटेंड करती है और इसकी रेडियस आ रहा है, तो ये ओरिजिन ही मान लो, है ना। दिस एंगल इज अल्फा एंड अल्फा इज इन रेडियन। तो अब हमें इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम यहां पे वाई एक्सिस बना लेते हैं ऐसे। सो दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज माय एक्स एक्सिस। तो यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, लेट अस टेक एन एलिमेंट हियर। ये एंगल थीटा है और ये डी थीटा है। तो अब देखो बच्चों, ये तो आर है ही, तो ये जो हाइट हो जाएगी ना, ये वाली आर आर कॉस थीटा हो जाएगी। अब हम कहेंगे कि हमारे पास एक्ससीएम का फॉर्मूला था, समीशन एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन एम आई। अब एम आई का मतलब पार्टिकलों के मास, तो एम को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगा, ठीक है, डीएम में। तो ये डीएम का समीशन हो गया, समझ रहे हो बच्चों, समीशन ऑफ डीएम इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एम आई डीएम। डीएम इज द मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के मास का जब समीशन करते हैं, तो डीएम अगर जीरो की तरफ जाता है तो समीशन फिर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो जो समीशन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता है ना, वो इंटीग्रेशन बन जाता है। मतलब जब हम फाइनाइट नंबर का समीशन करते हैं तो वो समीशन होता है, पर जब हम इन्फाइनाइट का करते हैं तो वो इंटीग्रेशन होता है। अब ये एक्स आई एक्चुअली जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उसका सेंटर है, तो ये डीएम इंटू एक्स का मतलब एक्स इंटू डीएम हो जाता है। तो एक्ससीएम का फॉर्मूला हो जाता है इंटीग्रेशन एक्स डीएम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डीएम, और YCM का फॉर्मूला हो जाता है इंटीग्रेशन YDM डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन DM, जहां पे Y का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट, Y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट, X कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट है,
मतलब ऐसे समझो कि हमने इसको बहुत सारे टुकड़ों में बांटना है। तो पहले क्या था, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बॉडी बन रही थी, अब बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बन रही है। उस टुकड़े को हम एलिमेंट बोल रहे हैं। वो कितने टुकड़े हैं? वो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट टुकड़े हैं। तो इनफाइनाइट टुकड़ों के सेंटर ऑफ मास की और उसके मतलब टुकड़े के मास की प्रोडक्ट का समीशन करना है। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और उसका मास एलिमेंट का, उसका समीशन करके टोटल मास से डिवाइड करना है। तो बस ये तो टोटल मास है ही ना, समीशन ऑफ डीएम। तो ये फॉर्मूले बन गए। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। अब इस एलिमेंट का मास डीएम निकालते हैं, है ना। तो डीएम हो जाएगा हमारा, तो मान लो लैम्डा है, तो लैम्डा इंटू डीएल हो जाएगा। तो लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, है ना। तो लैम्डा हम लिख सकते हैं एम अपॉन में अल्फा आर, अल्फा आर जो है ना वो इस आर की लेंथ होगी। तो एम अपॉन अल्फा आर इंटू में डीएल। अब डीएल को हम क्या कर सकते हैं, तो ये एंगल तो डी थीटा है, तो डीएल अपॉन में आर इज इक्वल टू डी थीटा हो जाएगा। तो डीएल की वैल्यू हो जाएगी आपकी आर डी थीटा। अब देखो अगर ये दोनों वैल्यू मैं यहां पे डाल दूं, है ना, डीएम इज इक्वल टू लैम्डा डीएल, तो डीएम की वैल्यू एम बाई आर अल्फा और ये आर डी थीटा, एम बाई आर अल्फा इंटू आर डी थीटा, आर आर कट जाएंगे तो डीएम की वैल्यू आएगी एम इंटू में डी थीटा बाई अल्फा। तो बस अब निकल जाएगा वाई सी एम, तो वाई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई, वाई इज एक्चुअली वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आर कॉस थीटा, सो आर कॉस थीटा इंटू डीएम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डीएम। इंटीग्रेशन डीएम यहां पे तो सीधा एम ही बन जाएगा, तो थोड़ा स्मार्ट बन जाते हैं, सो लेट अस राइट इट एम। तो बच क्या गया, ये वाला इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन कॉस थीटा तो वेरिएबल है, तो डीएम के रेस्पेक्ट में तो होगा नहीं है, लेकिन डीएम का फॉर्मूला मैंने निकाल दिया ना यहाँ पे एम इन टू में डी थीटा बाई अल्फा, तो वो डाल देते हैं। तो इंटीग्रेशन आर कॉस थीटा इन टू में एम इन टू में डी थीटा डिवाइडेड बाई अल्फा डिवाइडेड बाई एम। तो देखो ये एम है, ये एम है, एम एम कट जाएंगे क्योंकि इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा ये। तो वाई सी एम का फॉर्मूला आ गया जी, आर बाई अल्फा बाहर, बच गया कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की लिमिट भी देखनी पड़ेगी, तो आप ध्यान से देखो अल्फा तो पूरा एंगल था ना, तो यहां पे जब हम एलिमेंट लेंगे तो एंगल बनेगा माइनस अल्फा बाई टू, और यहां पे जब लेंगे तो एंगल बनेगा प्लस अल्फा बाई टू। तो माइनस अल्फा बाई टू से लेके और प्लस अल्फा बाई टू तक जाएगा इंटीग्रेशन। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, सो दिस कम्स आउट टू बी आर बाई अल्फा इंटू में साइन थीटा, लिमिट गोज फ्रॉम माइनस अल्फा बाई टू टू प्लस अल्फा बाई टू। So this comes out to be YCM is equal to R by alpha into में sin alpha by 2 minus sin minus alpha by 2, ये हो गया, ठीक है। तो अब देखो माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया R by alpha into 2 sin alpha by 2, so this gives me 2R sin अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई अल्फा, ऐसे हो गया। तो आप ऐसे भी कह सकते हो अगर याद करना हो तो आर साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई अल्फा बाई टू। तो अगर अल्फा जीरो की तरफ अप्रोच जाएगा तो सेंटर ऑफ मास आर पे पहुंच जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, तो ये है ही, तो जानते हैं आप। तो आर साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई अल्फा बाई टू, इस तरह से ये आ गया हमारा सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए, अब मैं बताता हूं आपको कि अगर ये ऐसे होता तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, एक्सीएम निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिमेट्रिक से जो एक्सीएम है ना, ये मैंने वाई एक्सिस तो बीचों बीच ही मान ली थी ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं। देखो तो मान लो कि ये वायर जो है ना सेमी सर्कल है, लेट अस अज्यूम दैट दिस वायर इज अ सेमी सर्कल,
ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो आप देख सकते हो कि जो अल्फा है ना उसकी वैल्यू पाई हो गई, तो एक्ससीएम तो जीरो ही रहेगा, वाईसीएम क्या हो जाएगा, आर इंटू में साइन पाई बाई टू डिवाइडेड बाई पाई बाई टू, समझ रहे हो बच्चों। तो साइन पाई बाई टू तो वन है, तो बस टू आर बाई पाई हो गया ना, ऐसे हो गया, समझे बच्चों। तो कुल मिला के सेंटर हो जाएगा टू आर बाई पाई हाइट पे, क्लियर है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, देखिए मान लो कि मैं ये वाला हिस्सा हटा दूं। अब अगर मैं ये हिस्सा हटा देता हूं बच्चों, तो ध्यान से सुनेंगे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे। तो इसके भी दो तरीके हैं निकालने के, तो तरीका यह है कि हम ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री मान लेते हैं, है ना। तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया है ना, इस डिस्टेंस को मैं आर मान लेता हूं, छोटा आर, बड़ा आर तो यह है ही, तो छोटे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसी फॉर्मूले से निकल जाएगी ना, क्योंकि वो तो सिमेट्री एक्सिस पे था। अब एक्ससीएम वाईसीएम मत करो, बस छोटा आर लिखो, मतलब सेंटर से और सिमेट्रिकल लाइन पे इस डिस्टेंस का जो फॉर्मूला बताया था मैंने, आर्क जो है मेरा ऐसा था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को छोड़ो, ठीक है ना। तो जो छोटा आर हो जाएगा बड़ा आर इंटू में साइन अल्फा बाई टू, तो अल्फा खुद पाई बाई टू है, क्योंकि तो यहीं से लेके यहीं तक है ना बस, तो अल्फा इज पाई बाई टू, तो अल्फा बाई टू हो गया पाई बाई फोर, तो साइन पाई बाई फोर डिवाइडेड बाई पाई बाई फोर, ठीक है। तो ये हो गया फोर आर बाई पाई इंटू में साइन पाई बाई फोर, साइन पाई बाई फोर वन बाई रूट टू होता है, तो फोर आर बाई पाई इंटू वन बाई रूट टू। अब ये इससे कटके टू रूट टू हो जाएगा, तो टू रूट टू आर बाई पाई, ये हो गया जी आर, यानी ये डिस्टेंस हो गई। अब देखो अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आर बाई रूट टू है ये, और वाई कोऑर्डिनेट वो भी आर बाई रूट टू है। तो सेंटर ऑफ मास के एक्ससीएम कितना आ गया, एक्ससीएम आ गया आपका छोटा आर बाई रूट टू, जो कि होता है टू आर बाई पाई, है ना। और वाईसीएम, वाईसीएम हो गया आपका वही छोटा आर बाई रूट टू, जो कि हो गया आपका टू आर बाई पाई। अभी हमने निकाल दिया, तो अभी जैसे कि आपको याद होगा मैंने दूसरा मेथड भी बताया था, ठीक है। तो देखो दूसरा मेथड में बताता हूं आपको, आप ऐसे इमेजिन करो कि ये इधर पूरा था डिस्क, है ना। तो अगर ये पूरा डिस्क था, तो सोचो अगर मैं ये वाला हिस्सा काट दूं, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्स साइड में शिफ्ट होगा ना, वाई में तो शिफ्ट होगा नहीं, तो वाई कोऑर्डिनेट तो इस पूरे का टू आर बाई पाई था ना, था कि नहीं था, अगर ओरिजिनल था तो यहां था ना सेंटर ऑफ मास, तो वो यहां से इधर इधर शिफ्ट होगा उधर, क्योंकि ये हिस्सा काट देने से आपका सेंटर ऑफ मास उधर हिस्से की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हिस्सा मैंने काट दिया और मेरा सेंटर ऑफ मास यहां शिफ्ट हो गया, तो यहां शिफ्ट हो गया, तो वाई कोऑर्डिनेट तो अभी भी टू आर बाई पाई है ना, समझे बच्चों। अब दूसरा मेथड देखो, अब इमेजिन करो कि डिस्क एक्चुअली ऐसे रखी थी, है ना। तो अगर ऐसे रखी थी तो ये डिस्टेंस तो टू आर बाई पाई रहेगा, और अगर मैं उसमें से ये वाला हिस्सा काट देता हूं, तो ये हिस्सा काटते हैं सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट होगा, है ना, इधर ही तो शिफ्ट होगा, लेकिन ये जो दूरी थी ये तो अभी भी टू आर बाई पाई ही रहेगी ना, क्योंकि ये हिस्सा काटने से वो ऊपर शिफ्ट हो गया, बट है ना लेफ्ट और राइट तो शिफ्ट नहीं हुआ, तो राइट वर्ड वो टू आर बाई पाई डिस्टेंस पे था, तो अभी टू आर बाई पाई डिस्टेंस पे है, तो सेंटर ऑफ मास यहां पे हो गया, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो टू आर बाई पाई का स्क्वायर प्लस टू आर बाई पाई का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगी, यानी कि रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे आ जाएगी। तो ये दूसरी ट्रिक हो गई इसका सेंटर ऑफ मास निकालने की, शायद आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमारे पास ये थ्री क्वार्टर होता है ना, ऐसा, तो थ्री क्वार्टर में भी हम आर निकालते हैं, तो थ्री क्वार्टर में भी एक्चुअली ये थ्री पाई बाई फोर आएगा, है ना। एक सेकेंड, डिवाइडेड बाई यहां पे थ्री आ जाएगा। अब अगर ये थ्री आ गया तो थ्री नीचे आ जाएगा, और ये थ्री पाई बाई फोर है। अब अच्छी बात यह है कि थ्री पाई बाई फोर हो या फिर पाई बाई फोर हो, दोनों की वैल्यू ये रहती है, तो आंसर ही आ जाएंगे बस, समझे। तो अब जब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ढूंढोगे आप इसके, ये थ्री क्वार्टर है समझ रहे हो, यहां नहीं आएगा वो, थोड़ा इधर आएगा, क्योंकि सेंटर मास भैया ये भारी पार्ट आ गया ना, तो सेंटर के क्लोज आ जाएगा वो। तो अब
एक्ससीएम कितना आएगा, एक्ससीएम आ जाएगा आपका 2r by 3 पाई, और वाईसीएम, वाईसीएम भी इतना ही आ जाएगा 2r by 3 पाई। अब बदल गया सेंटर ऑफ मास, ठीक है, क्योंकि ये दो भारी हिस्से जुड़ गए ना इधर, तो नीचे आ जाएगा थोड़ा सा। तो होपफुली आप लोग समझ गए, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास निकालना हमने सीख लिया, अब नेक्स्ट क्लास में वेरिएबल मास के लिए करेंगे, है ना, वेरिएबल मास के लिए। मतलब अगर एक्स का फंक्शन हो मास, तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट करिए।